हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस डब्ल्यू जी स्टडी विथ गुरुकुल्स और मैं कैप्टन सपना शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ रेमंड कैटल्स पर्सनालिटी थ्योरी तो आइए पढ़ते हैं अबाउट दिस थ्योरी इससे पहले मैं आपको उनकी थ्योरी के बारे में बताऊँ चलिए पढ़ते हैं अबाउट लिटिल बिट अबाउट रेमंड कैटल ये क्यों हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट रहे और हम आज इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स ही वॉज़ अ फेमस साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड ट्वेंटी सेंचुरी के साइकोलॉजिस्ट थे एंड इन्होंने साइकोलॉजी की थ्योरीज दी हैं बट उन्होंने पढ़ा क्या था पहले केमिस्ट्री एंड फ़िज़िक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन और ऐसा हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ था तब इनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आया एंड इन्होंने फिर फाइनली साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन एंड उसके बाद वो बहुत दिनों तक टीचिंग करते रहे पढ़ाते रहे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक कोलम्बिया यूनिवर्सिटी एंड हावर्ड यूनिवर्सिटी तो बेसिकली उनकी क्या अचीवमेंट्स रही साइकोलॉजी में हम क्यों पढ़ रहे हैं उनको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने लेटर ऑन साइकोलॉजी पढ़ के एक लेबॉरट्री इस्टाब्लिश करी इन यूनिवर्सिटी ऑफ एलिनस एंड क्यों इस्टाब्लिश करी बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टडी अबाउट दी ग्रुप बिहेवियर एंड दर्सनैलिटी असेसमेंट करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एलॉस में अपनी लैब इस्टाब्लिश करी मगर जो इन्होंने मेजर अचीवमेंट गेन किया वो गेन किया आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी जब वो रिटायर हो गए तो पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने अपनी वाइफ ही बिकट के साथ काम किया एंड ही गेव द सिक्सटीन फैक्टर पर्सनालिटी मॉडल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि उनका मेन अचीवमेंट था इन दी फील्ड ऑफ द पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजी तो आइए पढ़ते हैं कैटरल की स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्यों डिफरेंट थी फ्रॉम द डिफरेंट साइकोलॉजी डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्वेशनल मैथड यूज़ किया था बट जैसे कि मैंने बताया उन्होंने फिजिक्स पढ़ी थी और उनका मैथमेटिकल एनालिसिस और नॉलेज बहुत अच्छा था तो उन्होंने क्या किया उन्होंने जो गॉर्डन आल्पोर्ट की लिस्ट थी जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी कि उन्होंने उस लिस्ट को 171 सेवेंटी वन करेक्टरिस्टिक्स में रिड्यूस किया जो गॉर्डन एल्पर्ट थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 4500 फाइव हंड्रेड डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स निकाले थे उस पर उन्होंने रेमंड कैटल ने काम किया एंड उसको रिड्यूस करते करते उन्होंने 171 सेवेंटी वन करैक्ट्रस्टिक्स ले आए कैसे उन्होंने जो कॉमन और अनकॉमन और रिडेंडेंट वर्ड्स थे उनको एलिमिनेट किया एंड ही फाइनली यूज द स्टेटिस्टिकल टेक्निक विच इज़ नॉन द फैक्टर एनालिसिस जैसे कि मैंने बताया उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था तो यहाँ पर उनकी अप्रोच डिफरेंट हो गई मैथमेटिकल अप्रोच हो गई फैक्टर एनालिसिस किया ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ

टी एंड क्यू डाटा ना टी एंड क्यू डाटा क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में इससे पहले बता दूँ आपको कि हाउ ही एनालाइज ही एनालाइज द टी एंड क्यू डाटा यूजिंग द फैक्टर एनालिसिस टू लुक टाइप्स ऑफ द बिहेवियर टेन टू बी ग्रुप टूगेदर इन द सेम पीपल वो उन्होंने इसलिए किया उन्होंने इसलिए किया कि सेम तरह के बिहेवियर्स को वो ग्रुप कर सके इन द सेम पीपल सो दैट ही आइडेंटिफाइड सिक्सटीन पर्सनैलिटी फैक्टर्स और ट्रेट्स कॉमन टू ऑल पीपल और ये करते करते उनको दो तरह के ट्रेट्स मिले वन इज द सोर्स ट्रेट एंड अदर इज अ सरफेस ट्रेट नाउ सोर्स स्ट्रेट और सरफेस ट्रेट के भी मैंने क्या डिस्टिंगशन किया सरफेस ट्रेट्स उन्होंने बताया दे आर वेरी ऑब्वियस एंड कैन बी वेरी इजिली आइडेंटिफाइड अदर पीपल मतलब ये ऐसे हैं जैसे कि नाम से पता चल रहा है सरफेस मतलब बहुत एक्सटर्नल है बहुत ऑब्वियस ऑब्जर्वेबल है जैसे कि आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई कितना जॉली है हैप्पी है मिलनसार है फ्रेंडली है नहीं है कौन अच्छा सा पब्लिक स्पीकिंग कर पाता है नहीं कर पाता है तो ऐसे सरफेस ट्रेट्स वेयर एज द सोर्स ट्रेट्स वो होते हैं जो कि लेस विजिबल होते हैं टू द पीपल एंड दे अपियर टू अंडरलाइज दल डिटेक्ट ऑफ बिहेवियर जो कि इतने दिखते नहीं है जैसे कि इंटेलिजेंस आप किसी का इंटेलिजेंस देख नहीं सकते हैं इसी प्रकार, आप किसी की हम्बलनेस नहीं देख सकते हैं, तो इसी प्रकार से सोर्स ट्रेट वो हैं जो कि लोग नहीं देख सकते हैं एंड ये ही बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर के कारण होते हैं ऐसा कैटल ने समझा एंड कैटल ने बताया कि ये जो सोर्स ट्रेट्स हैं इसीलिए मोर इम्पोर्टेंट होते हैं राधर देन द सरफे स्ट्रेट सो दिस वॉज अब सोर्स एंड सरफेस जो कैटल ने हमें समझाया नाउ हाउ ही डेड अबाउट दू मैं आपको टी डेटा और क्यू डेटा बता रही थी वो हम अब आके पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है बेसिकली उन्होंने जैसे बताया कि उन्होंने स्टेटिस्टिकल और फैक्टर एनालिसिस यूज किया पर्सनैलिटी में क्यों ताकि और उन फैक्टर्स को उन्होंने थ्री पार्ट्स में ग्रुप किया जो कि एक लार्ज कॉम्प्रेहेंसिव मैथड सैंपलिंग करी थी उन्होंने तो फर्स्ट था लाइफ डेटा सेकेंड एक्सपेरिमेंटल एंड थर्ड वॉज द क्वेश्चनर डेटा लाइफ डेटा मीन्स एल डेटा उसमें उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी उन्होंने रोज़मर्रा के जो बिहेवियर्स हैं इंडिविजुअल्स के बिहेवियर पैटर्न से उनका डेटा कलेक्ट किया जैसे कि वो स्कूल में कैसे ग्रेड्स लेके आते हैं उनका मराइटन स्टेटस मराइटन लाइफ कैसी है उनकी सोशल इंट्रेक्शन कैसी है ऐसी जो कि नॉर्मल लाइफ से जुड़ी हुई है मतलब जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं लाइफ जो रियल लाइफ में हो रहा है नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल डेटा जिसको कि उन्होंने टी डेटा का नाम दिया उसमें इन्होंने क्या किया इन्होंने रिकॉर्डेड रिएक्शन टू द स्टैंडर्डाइज एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब इन्होंने क्या लैब सेटिंग्स में बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड किया एंड वो लैब में ऐसी सेटिंग्स की गई थी कि पार्टिसिपेंट्स को सर्टेन सिचुएशंस में रिस्पॉन्स करना था एंड वो रिएक्शंस को उन्होंने रिकॉर्ड करके एक्सपेरिमेंटल डेटा गेन किया द लास्ट वन वॉज द डेटा वॉज द क्वेश्चनरी डेटा क्वेश्चनरी डेटा मीन्स क्यू डेटा वो रिस्पॉन्सेज उन्होंने कुछ क्वेश्चनर्स बनाए एंड जो पार्टिसिपेंट्स थे उन उनका बिहेवियर उनका रिस्पॉन्स लिया अबाउट द बिहेवियर एंड द फीलिंग्स में पर्टिकुलर सिचुएशंस में पर्टिकुलर क्वेश्चंस जब उन्होंने दिए तो कैसे बिहेव करते हैं कैसे फील करते हैं वो रिस्पॉन्स उन्होंने क्वेश्चनर के थ्रू लिए एंड दिस डेटा प्रोवाइडेड ही में डीपर एनालिसिस ये बहुत डीप एनालिसिस उनको मिली जो कि उनको एक्सपेरिमेंटल और लैब डेटा से नहीं मिल पाए और उससे ये बहुत क्लियर हुई तो डिपेंडिंग ऑन दिस हि टाइप ऑफ डेटा ही वॉज टू एबल टू डू द फैक्टर एनालिसिस एंड ही रीच टू दिस सिक्सटीन पर्सनैलिटी फैक्टर्स एंड ये फैक्टर एनालिसिस करके वो सिक्सटीन पर्सनैलिटी फैक्टर्स पर पहुँचाए जो कि इस प्रकार है जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज द एब्सट्रैक्टनेस मतलब कितना कोई कितना इमेजिनेटिव है कोई कितना प्रैक्टिकल है ये ये चीज़ बताता है सेकेंड इज द एप्रीहेंशन कौन कितना वरिड रहता है कौन कितना कॉन्फिडेंट रहता है दैट द एप्रीहेंशन डोमिनेंस कौन कौन कितना फोर्सफुल है कौन कितना सबमिसिव है ये ये बताता है इमोशनल स्टेबिलिटी कौन कितना काम रहता है कौन बहुत हाई स्ट्रंग रहता है लाइक like तो लाइवलीहुडनेस कौन कितना स्पॉन्टेनियस है कौन रिस्ट्रेंड रहता है सिक्स वन इज द ओपननेस टू चेंज कौन कितना फ्लेक्सिबल है कौन कितना रिजिड है या अटैच टू द फेमिलियर है वे इज अ सेवन्थ वन इज अ परफेक्शनिज्म कोई बहुत कंट्रोल्ड है और कोई जो अनडिसिप्लेंड है वो उतना परफेक्शनिज्म बिलीव नहीं करता है ज़्यादा एट्थ वन इज अ प्राइवेटनेस जो कि बहुत डिस्क्रीट है ये ओपन है मतलब तो बहुत कुछ लोग होते हैं बहुत पब्लिकली रहना पसंद करते हैं बहुत ईजी टू गो होते हैं वाइल्स कुछ लोग रिजर्व होते हैं प्राइवेट होते हैं ये ये चीज़ बताता है नाइन्थ वन जो उन्होंने बताया ही टोल्ड अबाउट द रीजनिंग मतलब कौन कितना एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग से बात करता है कौन कितने कंक्रीट थिंकिंग के साथ काम करता है टेंथ इज़ द रूल कॉन्शियसनेस में कौन कितना कम्फर्ट वर्सस नॉन कम्फर्मिंग मीन्स कौन अपने इनर कॉन्शियस के साथ काम करता है या सोसाइटल की कन्फॉर्मिटी के साथ काम करता है ये बताता है नेक्स्ट मतलब सेल्फ रिलायंट मीन्स कौन कितना सेल्फ सफिशेंट है कौन कितना डिपेंडेंट हो जाता है अपने इंडिपेंडेंसी गेन करना चाहता है या डिपेंडेंसी गेन करना चाहता है ये ये फैक्टर बताता है नेक्स्ट है सेंसिटिविटी कौन कितना टेंडर हार्टेड है कौन कितना टफ माइंडेड है आपने देखा कुछ लोग बहुत टफ माइंडेड होते हैं एकदम क्रिटिकल कंडीशंस में भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं एंड वेयर आर सम जो बहुत इजी सिचुएशंस में भी अपना टेंपर लूज कर, कर देते हैं अपना पेशेंस अपना होप सब कुछ लूज कर देते हैं दिस टेल्स अबाउट द सेंसिटिविटी थर्ड वन इज द सोशल बोल्डनेस मतलब कौन कितना शाई है अनहिबिटेड है या कितना बोल्ड है बोलने से हिचकिचाते नहीं है दैट टेल्स अबाउट दोशल बोल्डनेस फोरटीन वन इज द टेंशन कौन कितना इनपेशेंट है कौन कितना रिलैक्सड है दट टेल्स दिस फैक्टर विजिलेंस इज सस्पिशियस वर्सेस ट्रस्टिंग मतलब कौन कितना इजीली बिलीव कर लेता है किसी पे कोई बिलीव नहीं कर पाता है दिस टेल्स अबाउट विजिलेंस नेक्स्ट वन इज दॉर्म कुछ लोग बहुत रिजर्व होते हैं आउट होते हैं लविंग होते हैं कुछ नहीं होते हैं केयरिंग होते हैं कुछ नहीं होते हैं तो दिस फैक्टर टेल्स अबाउट दिस आस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी तो ये थे उनके सिक्सटीन पर्सनैलिटी फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच उन्होंने बनाया क्या एक सिक्सटीन पर्सनैलिटी फैक्टर पर्सनैलिटी क्वेश्चनर उन्होंने इसी बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए इन्हीं फैक्टर्स जिस से जिससे कि वो विच कैन बी यूज इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग्स लाइक करियर काउंसलिंग वो आज भी यूज़ किया जाता है लाइक मराइटल और बिजनेस और किसी एम्प्लॉय को हायर करने इवन इन सम आर्मी सेटअप सच टाइप ऑफ सिक्सटीन पर्सनैलिटी फैक्टर पर्सनलिटी क्वेश्चनर यूज़ किया जाता है इसमें क्या होता है बेसिकली वन सिक्सटी क्वेश्चन होते हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशंस पर आधारित होते हैं एंड दे आर द फोर्स चॉइस क्वेश्चन इसमें से एक इंडिविजुअल को या जो टेस्ट ले रहा है उसको चूज करना ही होता है एंड पर्सनैलिटी ट्रेट आर देन रिप्रेजेंटेड बाय अ रेंज एंड द इंडिविजुअल स्कोर फिर इनकी स्कोरिंग होती है अब स्कोरिंग ऐसे होती है कि वो कंटीन्यूम पे कहाँ फॉल करते हैं न यहाँ पे कंटिन्यूम का क्या मतलब है कंटिन्यूम का मतलब ये है कि अगर मान लो ये हाइस्ट है और ये लोवेस्ट है तो ये कंटिन्यूम है तो वो और ये इसकी मिड लाइन है तो वो कहाँ फॉल करते हैं टूअर्ड द हायर साइड और द लोअर साइड अगर वो बहुत सिंपेथेटिक है लविंग है केयरिंग है तो हायर साइड और नहीं है तो लोअर साइड तो ये सब होता है स्कोरिंग स्कोरिंग कीज होती है विद हेल्प ऑफ इट दे साइकोलॉजिस्ट डू इट नाउ स्कोरिंग कैसे होती है जैसे कि मैंने बताया है कि कंटिनियम के बिटवीन का हाइस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर जो एक्सट्रीम्स होते हैं वो रेंज को देखते हैं कि वो इंडिविजुअल की जो क्वेश्चन फिल किया है उसके स्कोर कहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑन दी कंटिन्यूम एंड फिर वो इंटरप्रेट किए जाते हैं बाय द डिफरेंट सिस्टम मे बी द कीज़ और किस लिए वो टेस्ट किया जा रहा है उसकी क्लिनिकल अप्रोच हमें देखनी होती है जैसे कि करियर सिलेक्शन के लिए किया जा रहा है या टीम वर्क के लिए किया जा रहा है या लीडरशिप पोटेंशियल देखने के लिए किया जा रहा है डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्लिनिकल अप्रोच है फिर उन टेस्ट स्कोरिंग को इंटरप्रेट किया जाता है जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ यहाँ पे जैसे कि मैंने बहुत यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं लाइक वॉर्म्स इंटेलेक्ट लिखा हुआ है लो स्कोर होगा अगर वो बहुत कोल्ड और सेल्फिश है और अगर वो बहुत सपोर्टिव और कम्फर्टिंग है वो क्वेश्चनर्स के रिस्पॉन्ड करने के बाद हम इस पर आते हैं कि अगर लो स्कोर है तो कोल्ड और सेल्फिश है हाई स्कोर है तो सपोर्टिव है कम्फर्टिंग है वेयर इंटलेक्ट है अगर लो स्कोर है तो बड़ा अनस्टेबल और इंस्टिक्टिव है हाई स्कोर है तो बड़ा सेरिब्रल एनालिटिकल है तो इसी प्रकार से इमोशनल स्टेबिलिटी एग्रेसिवनेस लाइवलीहुडनेस ड्यूटीफुलनेस ये सारे जो जो सिक्सटीन फैक्टर्स हैं उनसे हम देख सकते हैं एंड स्कोरिंग उससे करके फिर हम जो है उसकी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं कि वो टीम वर्क में टीम कितनी कर पाएगा उसकी लीडरशिप पोटेंशियल क्या है वो किस करियर में अच्छा करेगा लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल अगर इंटेलेक्ट में देखते हैं अगर उसका हाई स्कोर है एनालिटिकल है मतलब उसकी एनालिसिस बहुत अच्छी है तो वो सारी जॉब जिसमें एनालिसिस की बहुत ज़रूरत होती है तो उसमें उसको रिक्रूट करना बहुत अच्छा रहेगा तो एंड फ्रेंड दिस वॉज अबाउट द सिक्सटीन पी एफ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सिक्सटीन पी एफ़ के बारे में और बताऊंगी फ्रेंड दिस वॉज फोर टू डेज़ वीडियो दिस वॉज इट एंड फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड बने रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाउ आर माई वीडियोज़ बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ मोर टू पुट माई मोर एफर्ट्स एंड हेल्प यू मोर थैंक यू